शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से देखिए ना, आप सबको जो भी पसंद है हमने वही बनाया है। बनाया है? अरे वाह कीर्ति, आपने तो खुश कर दिया हमें। क्या भाभी, क्या खुश हो गया? कब से इसे कह रहे हार पहनने को, पहन ही नहीं रही है ये। कोई बात नहीं रितु, आज उनका मन नहीं होगा हार पहनने का। चलो अभी खाना खा लेते। भाभी बहुत ही तेज है। मिर्ची नहीं, आपकी बहू का दिमाग। सारा खाना बाहर से मंगवाया है और देख कैसे चटा रही है, जैसे खुद बना के खिला रही है। सब पता है हमें। कीर्ति बहू, तुम वो सच में हार नहीं पहनने वाली? बुआ जी, अभी नहीं। कीर्ति, अगर मम्मी और बुआ जी इतना बोल रही हैं तो पहन लो ना हार। पहन लो। अरे हम तो भूल ही गए, हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फोन कॉल करना है। हम करके आते हैं, आप लोग प्लीज शुरू करिए ना, खाइए। हाँ, अरे 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 रुक, क्या भीख मंगवा रही है एक हार पहनने के लिए भाभी? कब से कह रहे हम पहन ही रही, इसे पड़ी नहीं हमारी। वरुण, अभय ने आपके जन्मदिन के लिए बहुत सारी तैयारियां की हैं। मुझे यकीन है कि वो आएंगे ना तो आप खुद ही समझ जाएंगे। अरे हमें जो भी समझना था ना वो हम इस घर में रहकर समझ लिए। अरे एक बेटी बातों से बात करती है और दूसरी बेटी पीठ पीछे। अरे यशवी जी, हमने भी एक बेटी को जन्म दिया है लेकिन हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए उसे। भाभी, हमने आपसे कहा था कि ये लड़की एक दिन सब कुछ बेच खाएगी और देखिए इस बेशरम ने हमारी माँ का हार बेच दिया, उनकी आखिरी निशानी बेच दी, और वो भी किसी को बिना पूछे चुपके से। बुआ जी दूसरों के कमरे में कान लगाती हैं, उनकी बातें सुनती हैं, आपको शर्म नहीं आती है करते हुए? क्या कहा, शर्म? शर्म तो तुमने बेच खाई है कीर्ति। तुमने हमारी माँ का हार बेच दिया। वो हमारा हार है, माँ ने हमें दिया था, और जब हमें दे दिया तो हम उसके साथ कुछ भी करें आपको क्या, और आपसे पूछना ना हमें जरूरी नहीं लगा। बस कीर्ति, हमें हमारा हार वापस चाहिए। माँ वो हार वापस नहीं मिल सकता, उसी के बदले तो हमने ये हार लिया है। और इस बेकार बात पे हम बहस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारा खानदानी हार है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती आपको? और वरुण, हम बस खड़े खड़े देखते रहे, एक बार भी इन्हें रोकना जरूरी नहीं लगा आपको? मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता था। आप दोनों को जो करना है कीजिए, लेकिन हमें हमारा हार वापस चाहिए बस। आप अपना दिया हुआ तोहफा हमसे वापस मांग रही हैं? जी हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एक तोहफा नहीं था, वो एक जिम्मेदारी थी। हमारे खानदान का पीढ़ी दर पीढ़ी उस हार से जुड़ा हुआ प्यार था, जिसे बेच के उसकी कीमत लगा के आपने हमारे खानदान पे और हमारे प्यार पे तमाचा मारा है। छोड़िए ना, चलिए उसे। नहीं दिलीप जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। वो हार हमें आपकी माँ ने विश्वास के साथ दिया था, जो उनको उनकी सास ने दिया था, और इतने साल हमने इतने प्यार से वो हार संभाल के रखा, लेकिन गलती हो गई हमसे, जो हमने ऐसी ऐसी गैर जिम्मेदार और खुदगर्ज लड़की को वो हार दे दिया। आप दोनों जो कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें वो हार वापस चाहिए, मतलब वापस चाहिए।
वो हार सिर्फ मम्मी के लिए जरूरी नहीं, वो हमारे परिवार की निशानी भी है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वो हार तू मम्मी को वापस करोगी, समझी? अपनी पहली कमाई से हमारा बेटा अपनी बीवी को नया हार दे रहा है, लेकिन हम है ना उसकी माँ, तो हमारे हाथों में होनी चाहिए थी ना उसकी पहली कमाई, लेकिन नहीं। अरे आपकी बेटी ने हमारे बेटे को इतना घुमाया कि आज वो अपनी माँ तक को भूल गया है। नहीं नहीं तनुजा जी, आप गलत समझ रही हैं, वो हार मम्मी कोई बात नहीं। अरे आप अपनी बेटी की गलतियां अभी भी नहीं मान रही हैं कि कैसे वो माँ बेटे के बीच दूरियां ला रही है। अरे घर का खाना खाने वाला लड़का आज बाहर के खाने पे चटकारे ले रहा है। अरे इसकी वजह से हमारे बेटे को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा, निकम्मा निठल्ला। अरे खुद कमाती है इसलिए उसे नीचा दिखाती है, इसी बात का उस पे दोष जमाती है, उसे झूठ बोलना सिखाती है। यशवी जी, आपने अपनी बेटियों को हमारा घर तोड़ने के लिए भेजा था ना, तो छोटी बेटी ने तो तोड़ दिया, अब इसकी बारी है। क्यों? बस तनुजा जी बस। यशवी जी आप एक काम करिए कि इसके पहले कि हमारा घर टूटे आप हमारा ही गला दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी खत्म हो जाए। आई तनुजा जी ये क्या कर रही हैं? तनुजा जी ये क्या कर रही हैं? हमारा गला दबाइए, हमारा गला दबाइए। तनुजा जी क्या कर रही हैं? दबाइए हमारा गला तनुजा जी, ताकि आपकी बेटी जो भी चाहे हमारे बेटे के साथ कर सके। अरे छोड़िए तनुजा जी, हमें छोड़िए, ये क्या कर रही हैं? मम्मी जी ये आप क्या कर रही हैं? अरे हम और बेइज्जती नहीं सह सकते, हम नहीं देख सकते अपना घर टूटते हुए। होश में आइए तनुजा जी, होश में आइए। मम्मी मम्मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धक्का मारने की? अच्छा हुआ तुम आ गए, इन लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आंटी जी के साथ बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रद्धा? तनुजा भाभी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? जी हम उनके कमरे में गए थे, वो कह रहे हैं कि बाद में करेंगे। गलती से ना तेरे पापा से चाय गिर गई थी, और यशवी जी को तो घर साफ सुथरा पसंद है, तो उन्होंने कहा कि नाश्ता से पहले हम घर साफ कर दें। होश में आइए तनुजा जी, होश में आइए। नहीं बेटा, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। आंटी हमारे रहने से ये आपको इतनी तकलीफ थी तो हमें न्योता देके यहाँ बुलाया है क्यों? बेटा आप लोगों के यहाँ रहने से हमें कभी भी तकलीफ नहीं हो सकती, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सब देखा है, जिस तरह से आपने मम्मी को धक्का मारा, अगर मैं वहां नहीं पहुंचता तो आज पता नहीं मम्मी के साथ क्या हादसा हो जाता। अब है आपको सचमुच ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी ने जानबूझ के मम्मी जी को धक्का दिया? आप जैसा समझ रहे, जैसा देख रहे, वैसा कुछ भी नहीं है। श्रद्धा अपना सामान बांध लो। हम घर जा रहे हैं, अपने घर। अगर मेरी माँ की इज्जत नहीं हो सकती ना, तो मैं वहां उनकी बेइज्जती करता भी नहीं सह सकता। हम अभी के अभी यहां से निकल रहे हैं। श्रद्धा अपना सामान बांधो। नहीं बेटा नहीं, यहां हमने तनुजा जी के जन्मदिन की
सारी तैयारियां कर रखी हैं। आंटी आप मम्मी के लिए आगे ही बहुत कुछ कर चुकी हैं, अब बस। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी के अभी अपना सामान बांधो, हम यहां से जा रहे हैं। अबे क्या तरीका बात करने का? और ये चोट कैसे लगी? इस चोट का दर्द मेरी मां के सम्मान पे लगी चोट से बहुत कम है पापा। अरे अबे बेटा जी, भाभी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। मेरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? आप भाभी के साथ रहिए, मैं देखता हूं क्या है। सक्षम जी जो भी हुआ ना बहुत गलत हुआ, भाभी को ऐसे नाराज होकर नहीं जाना चाहिए था। मैं हालात नहीं संभाल पाई सक्षम जी, मैं नहीं संभाल पाई। मम्मी आप प्लीज संभालिए अपने आप को, एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई। आप फिक्र मत कीजिए सब ठीक होगा, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, आप प्लीज ऐसे मत रोइए। श्रद्धा मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तुम्हें वहां पता नहीं क्या क्या सहन करना पड़ेगा। अभय भी नाराज होकर निकला है, उसने सबके सामने श्रद्धा को कुछ किया तो नहीं ना, अब जो हो गया सो हो गया। और श्रद्धा बोल रही है ना कि यह गलत फहमी है, दूर हो जाएगी। आप इस तरह रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इतना सब कुछ हो गया नाना जी और अभी तक आप यहीं खड़ी? चलिए अभी के अभी चलिए पापा। बस पहले आप वो हार वापस लेकर आइए, फिर आपसे बात होगी। चलो रितु। जिसे रत्ती समझकर तुमने बेच दिया वो हमारी माँ का हार था, हमारी माँ की आखिरी निशानी। वो हार हमें किसी भी कीमत पर वापस चाहिए कीर्ति। अगर वो हार तुमने हमें वापस नहीं दिया तो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? वरुण जी हमें मालूम नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। कीर्ति तुमने हमारा पुश्तैनी हार बेच दिया और तुम्हें लगा कि कुछ नहीं होगा, अरे कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। वो माँ ने हमें गिफ्ट दिया था, वो हमें लगा हमारी चीज है, हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हमने आपसे नहीं पूछा। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, तुम बस ये बताओ कि वो हार तुमने कहाँ बेचा है। अब वो ज्वेलर को ना ज्योति लेकर आई थी घर पे, हमें बस इस बात का डर है कि कहीं कहीं उसने किसी और को ना बेच दिया हो हार या गला ना दिया हो। इसलिए सोने का और हीरे से जड़ा हुआ हार था, ऐसा तो वो नहीं करेगा। तुम्हारे पास उसकी रसीद है ना? हाँ वरुण जी, जेवर खरीदना आता है हमें। तो ठीक, कल ही हम वो हार वापस लेने जाएंगे, कल ही। अंकल जी अभय ने तो बहुत सारी तैयारियां की थी कि आंटी जी की खुशियों को चार चांद लग जाते, पर एक मुसीबत की वजह से सब गड़बड़ हो गए।
अभय वो एक्चुअली मैं मीटिंग में हूँ ना, ऑफिस में सब लोग साथ में बैठे हैं, तो मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ। अभय ये लो, अभय बिल्कुल जैसे तुम चाहते थे उसी तरह आंटी जी को ये अपने हाथों से दे दो। मम्मी तो मेरी पहली कमाई से आपके जन्मदिन का तोहफा अच्छे माहौल में देना चाहता था, पर शायद आपको अच्छा लगेगा। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके बारे में मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। बेटा, एक माँ के लिए इससे बेहतर तोहफा और क्या हो सकता है? मम्मी जी ये, आंटी जी ये लीजिए। रख दो। अब मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मतलब हम श्रद्धा को ऐसे ही गलत समझ रहे थे? अरे तुम दोनों यहाँ काहे खड़ी हुई हो, जाओ ताऊ जी और ताई जी को केक दे के आओ, जल्दी जाओ। मैं प्लेट लेकर आती हूँ। रहने दीजिए भाभी, कोई फायदा नहीं है। अरे ऋतु क्या हो गया? उनकी भूख और प्यास सब कुछ मिट चुका है, तो कोई फायदा नहीं है उनको भिजवा कर। बुआ जी केक। अरे हटाओ यहाँ से, नहीं खाना हमें। अरे तुम दोनों अभी तक यहाँ हो, जल्दी जाओ। अरे ऋतु आई, बैठिए बैठिए। अरे क्या हो गया भाई, अब तो बताइए, चले गए हैं। अभी हम आपको क्या बताए, वो हार ना। अरे ऋतु हार तो हमें मिल गया। क्या वो हार आपके पास है? अरे आपके पास कैसे आ गया वो हार? अरे ऋतु चौंक गई ना। अरे हमारे बेटे ने हमारे जन्मदिन पे हमें वो तोहफा दिया है। हाँ वो हार आपके पास है, वहाँ नैना भाभी के दिल के हजार टुकड़े हो चुके हैं अभी तक। अभी ये ना बहुत एक गलत बात है, वो हार पर सिर्फ और सिर्फ नैना भाभी का हक था और हमेशा रहेगा। लाइए वो हार हमें वापस दीजिए, लौटाना है उन्हें, लाइए दीजिए हमें वो हार। अरे हमारा बेटा हमारा हार, तो इसमें नैना भाभी कहाँ से आ जाती है? ये वो हार, बताइए कैसा लग रहा है हमारे ऊपर? ये कौन सा हार है भाभी? अरे यही तो वो हार है जो अभय ने हमें दिया है। अरे आप किस हार की बात कर रही हैं? अरे हम इस हार की बात नहीं कर रहे हैं, हम माँ के पुश्तैनी हार की बात कर रहे हैं, उनकी आखिरी निशानी की। याद है आपको जो नैना भाभी ने कीर्ति को दिया था? हे भगवान ऋतु, उस हार को क्या हुआ? भाभी उस कीर्ति ने वो पुश्तैनी हार बेच दिया। क्या? हे भगवान। जानता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, अगली बार मैं वो हार लेकर ही आऊंगा। अपनी नाराजगी आप खाने पे मत निकालिए प्लीज। हमारे पुरखों की निशानी पता नहीं किसके हाथ में, कहीं ये तो नहीं है वो? यही है वो आदमी, आप इसे कैसे जानती हैं? हे भगवान कीर्ति, कहाँ फंस गई है तू? ये आदमी